तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आइए देखते हैं NMMS एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हम लोग हल कर रहे थे। उसमें हम लोग इस तरीके के पैटर्न में पहुंच गए थे कि जो प्लस माइनस या फिर जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं उनको अगर डिसऑर्डर कर दिया जाता है तो समीकरण हमारा गलत हो जाता है। तो उनको रीऑर्डर या फिर करेक्ट ऑर्डर में करके हमको समीकरण को बैलेंस करना होता है। तो कैसे होते हैं सवाल, उसमें क्या, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये पैटर्न है ये थोड़ा अलग सा है। कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि जितने चिन्ह हैं, एक दो तीन चार प्रकार के, और यहाँ देखो बराबर भी है, चार पांच प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो हर एक विकल्प में डिसऑर्डर करके लिख दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल दो ही चिन्ह दिए गए हैं एक विकल्प में। इसका मतलब क्या है बेटा कि प्लस और माइनस की बात कर रहा है पहले विकल्प में, इसका मतलब प्लस को हम माइनस बना दें और माइनस को प्लस बना दें। जैसे इसमें कह रहा कि माइनस और भाग वाले का, इसका मतलब कि माइनस की जगह पे भाग कर दें और भाग की जगह पे क्या कर दें, माइनस कर दें। जैसे प्लस और गुणे की बात कर रहा है तो प्लस की जगह पे गुणा कर देंगे जहां भी होगा, और जहां पर गुणा होगा वहां पर हम प्लस कर देंगे। तो इस तरीके के ऑर्डर करने वाले ये सवाल हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए पहले विकल्प को देखते हैं, तो पहले विकल्प को देखो अगर, तो कह रहा प्लस की जगह पे माइनस करो और माइनस की जगह पे क्या करो, प्लस करो। तो अगर करके देखते हैं क्या समीकरण हमारा संतुष्ट होता है कि नहीं होता। अगर आप अंदाजा लगा के चलो, अगर यहाँ पे आप माइनस करते हो, क्या करते हो, मान लो माइनस लग गया है, फिर उसके बाद जहाँ माइनस है वहाँ क्या करते हो, प्लस करते हो। अब होगा क्या, पहले हम भाग ही तो देते हैं बटवास लाभ के हिसाब से, तो 12 को अगर 4 से भाग दे रहे हो तो आ गया कितना, 3, है ना, 3। और यहाँ पे हो गया है 8 3 24, 24 और 3 जो यहाँ मिला था क्योंकि प्लस लग गया है ना, तो 24 3 27, 5 में से 27 घट रहा है, 5 में 27 घटेगा तभी 3 नहीं आएगा। तो ये वाला तो ऑर्डर सही नहीं है। दूसरे वाले को चेक करके देखो, माइनस की जगह पे डिवाइड कर देना है और डिवाइड की जगह पे माइनस कर देना है। अगर हम डिवाइड की जगह पे माइनस कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं, तो इसका मतलब कि 8/12 का केस ये बनेगा भाई, यहाँ पे भाग लग जाएगा ना। और फिर देखो अगर इसको हम काटते हैं तो 4 2 8, 4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा और मिलेगा यहाँ पे 2 2, और फिर ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3। हाँ, दूसरा वाला इसमें देखो बिल्कुल सेट हो सकता है। हम दूसरे वाले को ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या करना है, माइनस जहाँ डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन को देखिए, 5 प्लस को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और 3 गुणे को भी कुछ नहीं करना है। जहाँ माइनस है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग लगा दिया, फिर क्या है, 12 है 12 लिख दिया। जहाँ भाग है वहाँ पे माइनस कर दो, और फिर क्या लिखो यहाँ पे जो दिया है, 4 बराबर 3। अब इसको हमें हल करना है, हम सबसे पहले भाग करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे भाई, अगर ये बटे में है तो इसको ऐसे काट सकते हो ना भाई, 4 2 8 और 4 3 12, मतलब यूँ समझो कि 5 प्लस 3 गुणे 2, भाग का मतलब बटा ही होता है, बटे 3 और माइनस 4 बराबर दूसरी तरफ कितना है, 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब क्या मिल रहा है, 5 प्लस यहाँ क्या मतलब मिला है, 2, और माइनस 4 बराबर उधर कितना है, 3। अब 5 प्लस 2, अब जोड़ने की बारी है, तो ये हो जाएगा 7, और 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3, इधर भी 3 और उधर भी 3, देखो हो गया ना बराबर। तो विकल्प हमारा सही कौन सा है, दूसरा। अब देखो इस वाले सवाल में भाग को गुणे से बदलना है, पहले विकल्प के हिसाब से पहले हम ऐसे ही मतलब देख लेते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। जहाँ पर भाग है, यहाँ पर है ना भाग, यहाँ पे कर दो गुणा, क्या कर दो, मान लो यहाँ गुणा लगा दिया, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पे हम भाग कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमको भाग देना होता है, 2 6 12, यहाँ क्या मिल गया है, 6 मिल गया, याद रखना 6 मिल गया है। और यहाँ फिर भाग के बाद फिर गुणे की ही बारी आती है, यहाँ क्या मिलेगा, 3 6 18, यहाँ हो रहा 18, यहाँ मिला है कितना, 6। अब देखो 5 प्लस 18 23, और 23 माइनस 6 17, आ गया ना, आ गया ना,
बिल्कुल सही है, पहले वाले पे सेट आएगा, करके देखते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं हमें किसको बदलना है, भाग और गुणे को इंटरचेंज करना है आपस में। तो पांच प्लस छह वैसे वैसे भाग की जगह पे हमको लगाना है क्या, गुणा। फिर थ्री माइनस को वैसे वैसे लिख देना है बारह, जहां गुणा है वहां पर क्या लिखना है भाग, भाग कितना दो, बराबर दूसरा कितना है सत्रह, इधर भी हल करके सत्रह आना चाहिए अगर हमारा ये वाला विकल्प सही है। तो पहले भाग होता सबसे पहले, तो दो छंग बारह, तो हो गया पांच प्लस छह गुणे तीन माइनस छह बराबर कितना उधर है सत्रह। अब उसके बाद गुणे की बारी आती है भाग के बाद, तो तीन छंग अठारह, पांच प्लस अठारह माइनस छह बराबर सत्रह। अब अठारह और पांच ये जुड़ेंगे कितना हो जाएगा तेईस माइनस छह, अगर तेईस में से छह घटा दो कितना हो जाएगा सत्रह आएगा ना, सात छह तेरह, तो सत्रह बराबर सत्रह, दोनों साइड बराबर हो गए ना, समीकरण बैलेंस हो गया। विकल्प हमारा सही कौन सा है, पहला वाला। तो इस तरीके के सवाल को ऐसे हल करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब मतलब एक साथ सारे चिन्हों को बदल दिया जाए, कि प्लस प्लस को माइनस से बदल दिया जाए और गुणे को भाग से या कुछ भी, मतलब जितने चिन्ह दिए रहेंगे सबको बदल दिया जाए, तो वो सवाल कैसे लगते हैं वो जानेंगे।